Welcome to 7th-6th standard student. Today we are going to be studying angle and pair of angle. ठीक है, एंगल और पेयर ऑफ एंगल हम लोग सीखने जा रहे हैं. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को व्यू देख रहे हैं, प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि वो अच्छे तरीके से इसको समझ पाए. अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगी. सो प्लीज़ व्यू माई होल वीडियो. ठीक है, आज के इस स्पेशल एक्सरसाइज के लिए 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 है और 6th स्टैंडर्ड में भी कुछ इसका पार्ट मिलता जुलता है, तो हम लोग उन दोनों चीज़ों से डिस्कस करेंगे. इसमें मैं आपको एंगल, पेयर ऑफ एंगल और छोटा मोटा टाइप्स ऑफ एंगल में सिखाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, सो एंगल, सपोज दिस इज रे ए बी, ये एक मेरी रे ए बी है और कोई दूसरी रे ए सी आके इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है. अनदर रे ए सी इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट ए. ठीक है, रे ए बी और रे ए सी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. अब उन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस बचता है यही मेरा क्या होता है, एंगल होता है, जो एंगल का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं. ठीक है, अब बात ये होती है कि एंगल का नेमिंग कैसे करें. यूजुअली हम लोग एंगल का नेमिंग 3 लेटर्स में करते हैं और सिंगल लेटर से करते हैं. 3 लेटर्स में ऐसा करते हैं कि जो एंगल हो मेरा, मेन एंगल हो, उसका नेमिंग बीच में हो. सो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल सी ए बी. जैसा आप देख सकते हैं मेरा मेन एंगल क्या है, ए, तो ए सेंटर में आया है और इट कैन बी नेम्ड एज एंगल ए ऑल्सो. इसको ए भी लिख सकते हैं और एंगल सी ए भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है. लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर समझो कि सिर्फ ऐसा सिंगल एक एंगल है तो ठीक है, एंगल ए ठीक है. लेकिन अगर इसके बाद भी अगर समझो कि मैं रे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ कोई दूसरा एंगल बन रहा है, तो उसके लिए मेरे को फुल नेम लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब एंगल्स के पार्ट्स में, ठीक है, अब ये एंगल मेरा डी ए बी, ये एंगल का इनर पार्ट है, ये एंगल का आउटर पार्ट है और ये आर्म पार्ट है. सो यहां अगर मेरे कोई भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे इधर पॉइंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, so these all are the interior point, these all are the interior point. so मैं इसको blue marker से mark कर रहा हूँ, this is interior portion of the angle. ये angle का क्या है, interior portion है. फिर मेरे जो points यहाँ आते हैं जैसे M, L, K, J, these all the points आर इन दी एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल. ये एंगल का क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर मतलब उसका आउटर, जो बाहर का पोर्शन है, जो एंगल्स के बाहर के साइड है. ये इंटीरियर पार्ट एंड दिस इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल. एंड द पॉइंट विच इज ऑन द आर्म, ये समझो कि मैंने पॉइंट यहां लिखे हैं ओ पी क्यू आर. So these are the points which on the arm of the angle. So interior point मतलब जो angle के अंदर आ रहा है, exterior point मतलब जो angle के outer portion में है, और on the arm मतलब जो angle के arms पे है. So ये आपका exercise number 15 है, जिसमें आपको बताना है कि point on the interior, point on the exterior part and point on the arm. ये आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, नाउ लेट नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम 6th स्टैंडर्ड का पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्यूट एंगल, राइट एंगल,
ऑब्ट्यूस एंगल। इससे रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। देखो, एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल। एंड द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, the angle which is more than 90 degree it is called as a obtuse angle. So acute angle, right angle, obtuse angle. Acute angle it is less than 90 degree, right angle it is equal than 90 degree, and obtuse angle it is more than 90 degree. ये एक सिक्स स्टैंडर्ड का एक छोटा सा पोर्शन है जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सेवन स्टैंडर्ड का पोर्शन। व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सपोज करो कि मेरे पास दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर दी टू एंगल्स और दोनों एंगल का सम, सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल को मिला के जोड़ के जब 90 डिग्री वैल्यू आता है तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू और मोर, ऐसा कंपलसरी नहीं कि दो ही एंगल हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंड मोर एंगल इज 90 डिग्री देन those angle are called as a complementary angle. फिर next होता है supplementary angle. Same यही condition यहां भी apply होती है। If sum of two or more angle, if sum of two or more angle is 180 degree. If sum of two or more angle is 180 degree, then those angle are supplementary angle. मतलब वो एक दूसरे का supplementary है। मतलब मैं एक simple word में क्या कह सकता हूँ कि A का supplementary B है और B का supplementary A है। Okay? A का supplementary B है और B का supplementary A है। और A का कॉम्प्लीमेंट्री बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, उल्टा होता है। ठीक है, अब हम इसके वैल्यूज को निकालना देखेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द एंगल। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। सपोज एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक्सरसाइज नंबर ये है हमारा 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल। मींस आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वैल्यू दिए गए हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। जैसे कि एंगल ए दिया गया है 30 डिग्री, अब एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो Let angle B is complementary angle of angle A. हमने माना, ऐसा assumption किया है कि angle B क्या है, angle A का complementary angle है। So therefore क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एज वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल ए, सो ये 30 हो गया।
एंगल बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 30, दिस इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब अगर समझो कि मेरे को एक एंगल दिया है, एंगल एक्स इज इक्वल टू ए डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एक्स इफ एंगल एक्स इज इक्वल टू ए डिग्री। सो सेम जैसे ये किया वैसे करेंगे, लेट एक्स है तो मैं कोई भी दूसरा एंगल ले लेता हूं, एंगल वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एक्स। सो देयरफॉर क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एक्स का वैल्यू है ए, वाई का वैल्यू हमको नहीं पता है, सो एंगल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस ए। दैट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एक्स। सो जो भी एंगल रहेंगे अगर डायरेक्टली आप निकालना चाहें तो 30 दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60, ए दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, समथिंग एनीथिंग जो भी वैल्यू दिया रहेगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो सिंपली क्या करो उसको 90 में से माइनस कर दो। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 16 में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ y माइनस 20 एंड y प्लस 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर टू है, टू एंगल्स y माइनस 20 एंड y प्लस 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग क्या देखेंगे, सिंस y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, एज दीज टू आर वॉट, दीज टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, y को y के साथ ले लेते हैं, y प्लस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 90। So y plus y हो गया 2y, 30 minus 20 हो गया 10 is equal to 90। अब 2y is equal to, ये 10 को उस साइड लेंगे, यहाँ 10 ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो हो जाएगा 90 minus 10। Then 2y is equal to 90 minus 10 is equal to 80। Then y is equal to 80 upon 2। ओके, 2 यहां मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री। अब अगर मुझको इसका वैल्यू निकालना है, सो y माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री, y प्लस 30, 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री। By this we can find the value of y and the given angle. जो भी given angle दिया है और y दिया है उसका value हम ऐसे निकाल सकते हैं। I hope all of you understand the exercise number 16 जो आप अपने notebook में करेंगे। Now let us start exercise number 17 which is about your supplementary angle. Exercise number 17 में सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस हुआ है। सो एक बार मैं फिर से आपको क्विक रिव्यू दे देता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। टू और मोर एंगल हूज सम इज 180 डिग्री, दो एंगल या उससे ज्यादा एंगल जिनको मिला के 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सो आपको करना क्या है, दोनों एंगल को प्लस करना है। प्लस करके कितना होना चाहिए, प्लस करके होना चाहिए 180। अगर प्लस करके 180 हो गया तो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है,
प्लस करके अगर 180 नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अब सपोज करो इफ एंगल एम इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एम, एंगल एम का सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। सो जैसा हमने पिछला एक्सरसाइज किया था वही करते हैं। लेट एम है तो एक दूसरा एंगल ले लेते हैं एन। लेट एंगल एन बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एम, एंगल एन बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एम। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एन इज इक्वल टू 180 और एंगल एम का वैल्यू क्या दिया है 120 डिग्री। सो एंगल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल। आपको बहुत सारे एंगल्स के वैल्यू दिए हैं, आपको उसका सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सप्लीमेंट्री निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको 180 में से माइनस करेंगे। और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे। सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। सिंपल सा सम्स है, बाकी आपको उसमें कुछ ऐसा टफ जैसा नहीं है। ओके, आगे सम्स देखते हैं। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आप लोग टेस्ट टू प्लीज रेफर करो क्योंकि मैं डायरेक्टली सम्स कर रहा हूं। एंगल y इज इक्वल टू, एंगल y इज इक्वल टू 90 दिया है। ओके, एंगल y इज इक्वल टू 90 इंटर एंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल y 90 डिग्री दिया है। सो व्हाट काइंड ऑफ एंगल, एंगल x एंड एंगल z, अगर एंगल y 90 डिग्री दिया है सो एंगल x और एंगल z कौन से टाइप के एंगल्स होंगे। सो एज वी नो इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का वैल्यू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो सिंपली एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल x प्लस एंगल z आपको मिल गया 90, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 90 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल z कितना मिल गया है हमको, 90 डिग्री मिल गया है। सो इसके पहले याद करने की कोशिश करते हैं हम कि मैंने सिंपली आपको क्या बताया था कि टू और मोर एंगल हुज सम इज 90 डिग्री देन दोस एंगल आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो सिंस ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम है 90 डिग्री, सो दैट इज व्हाई एंगल x एंड एंगल z आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगर समझो कि मेरे को ये पूछता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल y x z, तीनों एंगल कौन से टाइप के एंगल है। सो तीनों एंगल क्या है, दिस थ्री एंगल आर द सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तीनों सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ एंगल है क्योंकि तीनों को मिला के कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन दिया है मेरे को, एक इस साइड इस टाइप का एक रेक्टेंगल दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ रेक्टेंगल, मैं ए बी सी डी कंसीडर करके चल रहा हूं। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. नाउ नेम दी सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल की जोड़ी मेरे को लिखनी है. सो व्हाट इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. जितने भी एंगल होते हैं सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब सभी एंगल्स को मिला के कितना होगा? 90 90 90 90 होगा. तो अब हम कोई भी दो दो एंगल ले लेते हैं, क्या इशू है? एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? दोनों ए बी 90 है, बी भी 90 है, दोनों को मिलाएंगे कितना होगा? 180. मतलब दीज आर दी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. और ले लेते हैं बी एंड सी, सेम बी भी 90 है, सी भी 90 है, दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. मतलब दीज आर दी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. सो ऐसे सभी एंगल्स, दो दो एंगल को प्लस करेंगे सो सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनेंगे. सो यू कैन टेक मेनी एंड मोर एंगल्स, ए बी बी सी सी डी डी ए, ऐसा करके आप जितना भी पेयर लेना चाहें आप कंसिडर कर सकते हैं. 6. इफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन वॉट इज द मेजर ऑफ, वॉट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री, वॉट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए. मतलब एंगल ए का मेरे को क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है. एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है और उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना है. मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए. इफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, वॉट इज मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए. सो मेरे को एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है और फिर जो वैल्यू आएगा उसका क्या करना है? सप्लीमेंट्री निकालना है. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वापस पहले के जैसे एक अजम्पशन में कर लेता हूँ कि इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देन मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए कितना होगा? 90 माइनस एंगल ए. मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए. मैंने पहले बताया है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, देन दोस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए इज इक्वल टू 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, नाउ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री. मतलब 20 डिग्री वाला एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है. तो सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री. ओके, ये क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए? एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री मेरे को निकालना था. तो मैंने क्या किया, पहले उनका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना. कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया? 20 डिग्री आया. फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने क्या किया? सप्लीमेंट्री निकाल दिया. मतलब 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस 20, दैट इज 160 डिग्री.
अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझको कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को जरा अच्छे से एक बार रीड करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 7। एंगल ए मेरे को फाइंड आउट करने का है। एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। इफ एंगल ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। एंड एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर दी सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ एंगल। तो सिंपली वही करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एस बोथ आर दी सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए का वैल्यू तो हमको निकालना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंगल बी पुट करते हैं एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इज इक्वल टू 20 को उस साइड लेके जाएंगे, सो 180 माइनस 20 माइनस एक्स, सो जाएगा 160 माइनस एक्स। इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए।